सुनो वे चुगो देखो सुनो मत बोलो श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सब कुछ हमने पढ़ लिया, सब योगाभ्यास ज्ञान योगाभ्यास कर लिया और ऐसा करते करते हम तत्स्वरूपम भवेत तस्य विषयो मनसो गिराम। फिर हमने अपने स्वरूप को जो वाणी और मन के परे उसको भी समझ लिया। उसके बाद ये समाधि के अभ्यास में क्या क्या विघ्न आते हैं उसका भी हमने अनुसंधान किया, वो भी पूरा हो गया। त्याज्यम ब्रह्म विशारदई ही। अब कहते हैं 42वें श्लोक में भाववृत्त्या हि भावत्वम् शून्यवृत्त्या हि शून्यता ब्रह्मवृत्त्या हि पूर्णत्वम् दया पूर्णत्वम् अभ्यसेत्। यो यश श्रद्धा स एव सहा। श्रीमद् भगवद् गीता में बताते हैं हम अपने श्रद्धा के अनुसार होते हैं। एक हमारे मित्र राजस्थान में वैष्णव माहेश्वरी, उनके घर में हमेशा जय श्री कृष्ण और श्रीनाथ जी का प्रसाद, कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं। लेकिन ये हमारे मित्र रोज़ सुबह उठ करके शिवजी के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में भी जाते पहले शिवजी। तो इसको लेकर के उनकी और उनकी पत्नी की हमेशा खटखटी होती है। क्या देख रही हो इसको, हो जाएगा शांत, उठाओ इसको, सर पे उठा के ले जाना, उधर नीचे रहो, हाँ नीचे रहो, नीचे भी लकड़ी ही है, बाहर ही ले जाओ। उनके आरती करो जाते आते सबकी। तो उसको लेकर के दोनों में हमेशा, आप शिव जी के मंदिर में क्यों जाते हो, बोले तुमको क्या तकलीफ है। तो पत्नी का भाव कृष्ण में, उनका भाव शिवजी में, भाववृत्त्या ही भावत्वम। और इस भाव के लिए कोई कारण नहीं होता, अपना अपना भाव है। किसी को बैंगन अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। देखो तो भाववृत्त्या ही भावत्वम, इसी भावना के द्वारा हम अपने जीवन को चलाते हैं। हमारी भावना बचपन के संस्कारों से बनती है। जैसे ये माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों को उनके बारे में गलत भावनाएं निर्माण कर देते हैं, मेरी बेटी कितनी सुंदर है, ऐसे लगता है कि स्वर्ग की अप्सरा आई है, उसके जैसे सुंदर तो विश्व में कोई नहीं है। और वो बेवकूफ़ धीरे धीरे समझने लग जाती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। अब देखो ना, बचपन में
गधे का बच्चा भी सुंदर दिखता है। देखा आपने? इसी प्रकार से एक लड़की, उसको बचपन से चढ़ा दिया कि तुम बड़े सुंदर हो, वो हमारे साथ टकराई, हमको तो टाइम पास करना है। तो जब उसने मुझे कहा कि स्वामी जी वहाँ जाएंगे देखेंगे, देखो कितना सुंदर दिखता है, हमने कहा देखो जो दिखता है ना वो होता नहीं, मतलब क्या है? हमने कहा देखो तुम सुंदर दिखती हो। उसके बाद 3 दिन तक मौन, भाववृत्या ही भावत्वम। हम कोई अपनी भावना बना लेते हैं कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, भाववृत्या ही भावत्वम। फिर हमने भावना बना ली है कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आस हूँ, मंगल बुध गुरु। देखो किसी के यहाँ गए थे हम, और उनके यहाँ थर्सडे का फास्ट होता था गुरुवार का, तो हम तो कुछ फास्ट फूस करते नहीं, हम फास्ट खाते करते नहीं। तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमारे सबको फास्ट है आज, आप करते हैं क्या? हमने कहा नहीं। काहे का फास्ट है? बोले आज गुरुवार है। नहीं आज गुरुवार नहीं है। फिर आज तो बुधवार है, कल तो मंगल था। नहीं नहीं स्वामी जी ऐसे नहीं, बिल्कुल पक्की बात है। अब सब में कन्फ्यूजन, स्वामी जी ने कहा कैसे झूठ हो सकता है? स्वामी होने का ये फायदा है। तो केवल भाववृत्या ही भावत्वम, ये एक बात। दूसरी बात, शून्य वृत्या ही शून्यता। अब जी के क्या करेंगे, ये भावना ही है। देखो अब क्या रखा है जीवन में, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, सब चले गए, अब मैं जी के क्या करूं? तो ना उनको जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है, कुछ तो करो। ये सब का सब अपने मन का खेल है महाराज। इसको यदि आप ठीक से समझ लो तो यही मन के खेल से आप खेल खेल में अपने स्वरूप में पहुंच जाओगे। तो क्या खेल करना है? ब्रह्म वृत्या ही पूर्णत्वम। देखो मानना ही तो है ना, करना कुछ नहीं है। मनुष्य पहले मानता है और फिर जानता है। देखो तो हमने अपने आप को मान लिया कि मैं वेजिटेरियन हूँ, हिंदू हूँ, मान लिया, तो फिर वैसे ही करने लगेंगे। दूसरा कहता है कि नहीं मैं नहीं मानता इसको, तो वो नहीं करेगा। तो मानना ही है तो ऐसा दरिद्री क्यों माने अपने आप को? तो ब्रह्म वृत्या ही पूर्णत्वम, यही अभ्यास करें कि यदि मैं ब्रह्म हूं तो कैसा अनुभव होगा, करो चिंतन, तो पता चलेगा कि ब्रह्म माने क्या? बृहत्वाद ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ी वस्तु क्या है? बेवकूफी नहीं, आकाश बड़ा है। देखो तो यह जो आकाश बड़ा है सबसे हमारे ज्ञान में, तो ये आकाश का अनुभव कैसा होगा? ये आकाश कहाँ है, करो चिंतन, भगवान कहाँ है? वैकुंठ में। वैकुंठ कहाँ है? जहाँ भगवान रहते। हो गया? तो ये दुनिया कहाँ है? आकाश में। अब आकाश कहाँ है इसका चिंतन शुरू करो, तब पता चलेगा आकाश हमारे मन की कल्पना है। मन जब सुकड़ जाता है नींद में, अव्यक्त को प्राप्त हो जाता है, उस समय हमारा देश, काल, वस्तु, परिस्थिति, व्यक्तित्व कहाँ गया? देखो इतना सारा डाटा होता है, एक क्लिक करो सबका सब एकदम सुकड़ जाता है। इतना देखो बड़ी बड़ी पुस्तकें, जैसे हमारी जो बड़ी पुस्तकें कोई भी एक ले लो, कितनी भारी है, उसकी सॉफ्ट कॉपी ले लो आप तो 3 MB, इतनी सी
देखो हम सब हार्ड है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी बन जाओ, छोटे इसमें आ जाओगे। इसीलिए ब्रह्म वृत्या ही पूर्णत्वम, तो यही अभ्यास करे कि हम परमात्मा स्वरूप, लोगों को मत बताना, मालूम है आजकल अपन परमात्मा बन गए। अच्छा आपका नाम बदल गए? नहीं नहीं नाम नहीं, असली। तो भाव ब्रह्म वृत्या ही पूर्णत्वम, तया ब्रह्म वृत्या पूर्णत्वम अभ्यसेत, यही अभ्यास करना है। दो प्रकार की साधना होती है, एक है प्रकृति प्रधान और दूसरी है पुरुष प्रधान। पतंजलि की साधना जो है योगा अभ्यास, वह प्रकृति प्रधान है, और यहां जो तेजोबिंदु उपनिषद की साधना है वह चैतन्य प्रधान है। अब यदि हमने प्रकृति को ज़्यादा महत्व दिया तो पूरी जिंदगी इसी में लगे रहेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं खूब सिंसियरली सब काम करते हैं लेकिन अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देखो इससे निकलने के लिए चिंतन करो, इस दुनिया को आज तक कोई भी सुधार नहीं सका। देखो कुत्ते की दुम होती है ना, एक बहुत पुरानी बात है कलकत्ते की। उस समय हम जवान थे और जिनके यहाँ रहते थे उनके यहाँ एक कोई बूढ़ा हुआ आ गए। हम दोनों डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हो? वो बूढ़ा होते मैं छोटा था, आप क्या करते हो? बोला मैं कुछ नहीं करता। फिर यहाँ किस लिए? गीता पर प्रवचन। तुम्हारे गीता से लोग बदलते हैं क्या? नहीं बदलते। फिर क्यों दे रहे हो? मेरा टाइम पास हो रहा है, बिना बोले कौन खाना देता है? यदि मैं यहाँ 7 दिन का मौन आ जाओ, कोई नहीं आएगा। देखो तो स्वामी जी का मौन शिविर है, आप सब आ जाओ, स्वामी जी के सामने बैठो और बुद्ध के जैसे देखते रहो। तो हमने कहा हम चाहते भी नहीं लोग बदले करके, जैसे ठीक है, मेरा टाइम पास हो रहा है, खाना मिलता दो टाइम, और क्या चाहिए। अब उनके पूछने का तात्पर्य मालूम है क्या था? उनको अपने बारे में बताना था। जैसे हम खाना खाने के लिए जाते, लोग कहते हैं देश विदेश में पॉटलक, पॉटलक नहीं होता, वो पेटलक होता है, किसकी यहाँ से क्या आएगा भगवान जाने। तो वहाँ जा कर के जिसने जो सब्जी बनाई होती है ना, वो अम्मा वो सब्जी ले आती, स्वामी जी और लीजिए ना, है मुझे नहीं अच्छी लगती वो, उसका चेहरा देखो मैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अब अपनी कहानी शुरू कर दी। उन्होंने हमारा मंत्र नहीं पढ़ा था, हु आस्क्ड यू? देखो महाराज 99% समय हम बिना किसी ने बोला शुरू कर देते हैं, शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और विनोबा भावे इनके द्वारा प्रेरित होकर के मैंने अपने कॉलेज छोड़ दिया और उनके आज्ञा के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में आ गए, नागालैंड में आ गए। वहाँ दिन रात इन लोगों की सेवा करके इंस्टीट्यूशन बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाया, हॉस्टल बनाया, बड़ी इंस्टीट्यूशन निर्माण करी। पिछले 60 साल मेरे इसमें गए, लेकिन यही लोग मुझे मारने पर तुले हैं, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो मैं सुन नहीं रहा था। वो भले बोले, मैं बैठा। फिर कहते ये जो दुनिया है ना, कुत्ते की दुम है। अब मुझे लगा अब थोड़ा बहुत सीरियसनेस कम करना चाहिए। हमने कहा बाबूजी कुत्ता टेढ़ी दुम के कारण ही सुंदर दिखता है। कल्पना करो किसी कुत्ते की दुम डिश एंटीना की जैसी हो, सुंदर दिखेगा। कई लोग ये जो बुलडॉग होता है ना, बुलडॉग को डॉकिंग कर देते पीछे से, कितना अगली दिखता है, सामने से अगली पीछे से अगली। अरे
कुत्ते का सौंदर्य टेढ़ी दुम के कारण ही होता है। ये दुनिया ऐसी है इसीलिए सुंदर है। देखो यदि अमेरिकन लोगों को दुनिया बनाने को लगा दो ना, सीधी लाइनें खींच कर रख देंगे। देखो महाराज, इसीलिए जगत जैसा है एकदम सुंदर है, यही भावना करनी है। जगत को सुधारने का प्रयत्न करेंगे तो हमने जगत की गलतियां निकाली है, जगत को बदलने का प्रयत्न करेंगे तो हमने भगवान के ये निर्मिति को, हमने कहा कि उनको समझ में नहीं आता, हमको समझ में आता है, एक ही कर सकते हैं। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधयः, सबके साथ प्रेम से रहो, दो चार दिन की बात है, खत्म हो गया। इसीलिए ब्रह्मवृत्त्या ही पूर्णत्वम, तया ब्रह्मवृत्त्या पूर्णत्वम अभ्यसेत। हमारे पास जो है उसकी हम बात नहीं करते, जो नहीं है उसकी बात करते। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे जब छोटे होते हैं ना, एक हाथ दांत गिर जाता है, उस समय उस बच्चे की जिह्वा कहाँ जाती है? जहाँ दांत नहीं वहाँ जाते, तो माँ क्या कहती है, वहाँ मत ले जाए जिह्वा को, सुअर के जैसा दांत बाहर निकल आएगा। माने जहाँ दांत नहीं है वहाँ जाती है, जहाँ है वहाँ नहीं जाएगी। इसी प्रकार से प्रभु ने हमको जो दिया है उसके बारे में थैंक यू भी नहीं, जो नहीं दिया है उसको 10 बार बता दे तुमने मुझे ये नहीं दिया, अनग्रेटफुल, इसीलिए दुखी होते हैं। तो ब्रह्म वृत्या ही पूर्णत्वम, जितनी इच्छाएं कम उतने आप ज्यादा परमात्मा, शून्य इच्छा आप पूर्ण परमात्मा। और इससे सिंपल क्या हो सकता है? जो है ठीक है। एक हमारा ड्राइवर था हिमाचली, मस्त था, उसको कुछ कहो कहने के पहले अच्छा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोई महाराज आप फिक्र मत करो, हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? जो भी है हो जाएगा, रिलैक्स। अरे एकदम मजा ही मजा, झंझट ही नहीं किसी चीज के। इसीलिए भाववृत्या ही भावत्वम, आप जैसी भावना करो वैसी दुनिया होती है। आपने यदि ये भावना कर दी कि ये दुनिया खराब है तो दुनिया खराब है, आपने ये भावना करी दुनिया अच्छी है तो दुनिया अच्छी है, आपने ये भावना करी कि मैं बहुत अनफॉर्चुनेट हूँ तो आप डेफिनेटली आप अनफॉर्चुनेट है, आपने ये भावना करी कि मैं तो मस्त हूँ तो आप मस्त हो, आपने ये भावना करी कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, फिर खेलो खेलो इंडिया खेलो। क्या खेलो? हम ब्रह्मास्मि खेलो। तुम क्या कर रहे? मैं खेल रहा हूं ब्रह्म ब्रह्म। देखो इतना हल्का पुल्का जीवन हो जाता है, नहीं तो इतना बोझा सर पर ढोते हैं हम, मत करे वो। ब्रह्म वृत्या ही पूर्णत्वम तथा पूर्णत्वम अभ्यसेत, ये ही वृत्तिं विहायैनाम ब्रह्माख्यां पावनीं पराम वृथैव ते तु जीवन्ति पशुभिश्च समानराः। ये ही वृत्तिं विहाय एनाम वृत्ति ब्रह्माख्यां, ये एनाम ब्रह्माख्यां वृत्ति विहाय, उसका अन्वय ऐसा होगा, जो व्यक्ति यह अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का त्याग करके, जो कैसी वृत्ति है, पावनीम पराम, ये सबसे पवित्र वृत्ति है। इसी उपनिषद में शायद 3rd अध्याय में आता है अहम ब्रह्मास्मि यो मंत्र, सभी मंत्रों से श्रेष्ठ मंत्र ये है अहम ब्रह्मास्मि। देखो तो मंत्र का अर्थ केवल जप नहीं करना, मंत्र का मंत्रणा चिंतन करो उस पर। देखो ब्रह्म क्या है? जो इंद्रिय मन बुद्धि के परे है, अब करो। इंद्रिय मन बुद्धि के परे है माने क्या? इंद्रिय काम नहीं करते, कारण क्या? उसको शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं,
खत्म। अब मन के परे है माने क्या, उसमें राग द्वेष सुख दुख नहीं, सभी द्वंद्वों का जहां अभाव है वो परमात्मा है। बुद्धि, बुद्धि डील्स विथ कंसेप्ट्स, अपना होना ये कंसेप्ट नहीं है, ये वास्तविकता है। देखो एक गांव का आदमी अमीर होता है, वही जब तालुका प्लेस पे चला जाता है तो वो गरीब हो जाता है, फिर तालुका प्लेस का अमीर आदमी जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाता है तो वो गरीब हो जाता है, वहाँ का एक आदमी अमीर होता है, वो आदमी स्टेट हेडक्वार्टर पर जाता है तो अब ये डिस्ट्रिक्ट का आदमी गरीब हो गया, स्टेट हेडक्वार्टर का बड़ा हो गया, अब वो जब नेशनल हेडक्वार्टर पर जाता है तो ये गरीब हो गया वो अमीर हो गया, और वो जब जाता है अमेरिका वो गरीब हो गया अमेरिका का बड़ा अमीर हो गया, और अमेरिका का आदमी जब नवसारी आता है तब खुश होता है। गुजरातियों की ये कहानी है, मैंने एक पुस्तक लिखी है लाइफ ऑफ ए गुजराती, एवरी गुजराती आई डोंट नो व्हाई दे आर बॉर्न इन नवसारी, उसके पश्चात चले जाते अहमदाबाद, फिर वहाँ भी उनको नहीं, उनको और कुछ चाहिए, जहाँ है वहाँ खुश नहीं, फिर जाएंगे मुंबई, वहाँ भी ठीक नहीं, फिर जाएंगे अमेरिका, वहाँ जाने के बाद एक ही लक्ष्य है ग्रीन कार्ड ग्रीन कार्ड ग्रीन कार्ड, वो मिल गया, दूसरा लक्ष्य सिटीजनशिप 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 करेंगे, मेहनत करेंगे, वो भी मिल गई, तब तक के 65 साल की उम्र हो गई, चलो निकलते हैं और नौ साल ही ठीक है वहीं जाते हैं। इसीलिए महाराज यही वृत्तिम विहाय एनाम ब्रह्मा क्याम पावनीम पराम, यह जो अत्यंत पवित्र वृत्ति है हमको, यह परमात्मा ना तो इंद्रियों का विषय है ना तो मन का है ना तो बुद्धि का, ये कंसेप्ट नहीं है। हमारा कंसेप्ट क्या है कि हम अमीर है गरीब है, हम पढ़े लिखे हम अनपढ़ है, हम समझदार है ना समझ है, ये सब कंसेप्ट्स है। देखो आगे कहते हैं यह जो स्वरूप है ये आता जाता नहीं, सुषुप्ति में क्या है, सुषुप्ति आती है जाती है, स्वप्न क्या है आता है जाता है, जागृत क्या है आता है जाता है, एक ऐसी वस्तु है जो कभी आई नहीं कभी गई नहीं, इसको कहते हैं ये ही एनाम परमाम पावनीम ब्रह्माख्याम वृत्ति विहाय जीवंती, जो इस तत्व को छोड़ करके रहते हैं उनको कहते हैं पशुभिश्च समान रह, वो जानवर है। उपनिषद जब ये शब्द कहता है तो कितनी महत्व की बात है, देखो जैसे शांति को श्रवण करना माने क्या, शब्द से प्रभावित नहीं होना, तो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान में दृढ़ होना माने मैं छोटा हूँ मैं दरिद्री हूँ पापो हम पाप कर्मा हम, ये दरिद्र छोड़ दो, आप साक्षात परमात्मा हो, परमात्मा परमात्मा खेलो ना, देखो धीरे 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 आप में निश्चित परिवर्तन आएगा। परिवर्तन क्या आएगा, जो हमने अपने पर बोझा रखा था सब विशेषताओं का त्याग होगा। ये शब्द हमने आपको 10 बार बताया है, परमात्मा की उपलब्धि माने निर्विशेष सत्ता, कोई विशेषता नहीं उसमें, ना स्त्री ना पुरुष, ना अमीर ना गरीब, ना इंडियन ना नॉन इंडियन, देखो तो ये ही वृत्तिम विहाय इनाम ब्रह्माख्याम पावनीम पराम। तो तात्पर्य क्या है, ये पावनी पराम वृत्ति क्या है, जो किसी भी वृत्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होती वह वृत्ति, हम प्रभावित होते हैं, अच्छा हुआ तो खुदकने लग गए, बुरा हुआ तो रोने लग गए, देखो
इसीलिए महाराज शांत रहो लेकिन सोना मत। इसीलिए क्लास के पहले चाय मिली थी ना, स्वामी जी चाय ठंडी थी, अरे राम राम। वो भी मैं गर्म करूं। खुल गए ना नींद सबकी, क्योंकि आपको बताया था ना, जब भक्ति का भागवत कथा राम कथा होती है ना, तो जब वहाँ लोग सोते हैं ना, तो उनको उठाने के लिए बीच में बांग लगाते हैं, सियावर रामचंद्र की जय, फिर सब उठ जाते, कुछ तो भी हो गया। तो यह ब्रह्माख्याम वृत्ति का तात्पर्य है वह अनुभव जिसमें किसी भी प्रकार के विक्षेप संभव ही नहीं। देखो, निषेधात्मक ही बोला जा सकता है, अशब्द अस्पर्श अरूप अगंध, देखो, क्योंकि ये सभी के जो सिद्धांत ऐसा होता है, जो अज्ञात है उस अज्ञात को ज्ञात के संदर्भ से बताया जाता है। अज्ञात माने जिसके बारे में मालूम नहीं, ज्ञात माने जिसके बारे में मालूम है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को क्या बताते हैं, ज्ञात, क्या हमको मालूम है, ये हमारे ये है पेशेंट के, ये मुझे हो रहा, ये मुझे हो रहा, ये लक्षण है, ये लक्षण है। एक अम्मा गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब क्या है, मुझे नींद ही नहीं आती, रात भर में बैठी रहती, क्या करो क्या करो, ये लक्षण बताए, अब रोग को ढूंढना है। डॉक्टर ने कहा दिन भर क्या करती हो, सोती हूँ। लक्षण, अब डॉक्टर क्या बताएगा, दिन को सो मत, फिर क्या करूं। देखो संतो, जो अनुभव इंद्रिय मन बुद्धि के परे है, जो कभी प्रारंभ मध्य और अंत से रहित है, हमको क्या मालूम है, प्रारंभ मध्य अंत, हमको क्या मालूम है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हमको क्या मालूम है, सुख दुख लाभ हानि, हमको क्या मालूम है, कंसेप्ट्स, सबको त्यागो ना। और सबका त्याग करते करते जिसका त्याग नहीं हो सकता वो आप हो, वो है पावनीम ब्रह्माख्याम मतिम। और वृथैव तेतु जीवंती, यदि इन्होंने ये वृत्ति को धारण नहीं किया, वृथा एव ते जीवंती, उनका जीवन व्यर्थ है। फिर वो कौन है, पशुभिश्च समान रहा, देखो वो जानवर है, देखो कितनी जबरदस्त बात कही है। बहुत हो गया है दुनिया में, बहुत हो गया है, दिस इज द लास्ट चांस, कल भी है क्या? कल भी है, कोई बात नहीं, दुख हो, दुखी हो जाओ जितना होना है, तो कल के बाद दुखी नहीं होना, नहीं तो यहाँ बताया है पशुभिष्ट समान रहा। फिर यहाँ से जाओगे घर में तो लोग पहचानेंगे नहीं, ये जानवर कहाँ से आया है। पशुओं का धर्म इत्यादि नहीं होता, पशुओं का जन्म केवल आहार निद्रा भय मैथुनंच, खाओ सो और डर डर के जियो, देखो, और उसके बाद बच्चे पैदा करो, यही क्या जीवन है, कुछ और भी है। देखो और आगे कहते हैं, ये तु वृत्तिं विजानन्ति ज्ञात्वा वैवर्धयन्ति ये, ते वै सत्पुरुषा धन्या वंद्यास्ते भुवनत्रये।
अब इसको कहते हैं कंपैरिजन। दो हमारे सामने विचार रखे जाते हैं, एक अत्यंत घृणास्पद और एक अत्यंत आदरणीय, ताकि व्यक्ति को कंपैरिजन हो जाता है। तो कहते हैं ये तो वृत्तिम विजानंती, पहले तो इसको ये पहचानते हैं कि ब्रह्माख्या वृत्ति क्या है, जो इंद्रिय मन बुद्धि के परा जो अनुभव है वो है ब्रह्माख्या वृत्ति। और ब्यूटी क्या है इसकी, ये वृत्ति वृत्ति नहीं है, कहते हैं वृत्ति, वृत्ति नहीं है ये। देखो जैसे प्रतिबिंब, कहते हैं लेकिन होता नहीं। देखो हमने जो कुछ सीखा है ना, वो अनुभव करके कैसे कैसे अनुभव इकट्ठे किए। एक हमारा अनुभव हमको बहुत अच्छा सिखाया, और वो है कपड़े को धोने को मज़ा आता है, आपके नहीं मेरे, तो हमें मजा ले लो। उसके बाद उसको सुखाओ, सुखाने के बाद फिर उस पर इस्त्री करो, इस्त्री काहे को करो, क्योंकि वो लुंगी पर सलवटें आ जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो जब आप उस पर इस्त्री घुमाओ, इस्त्री मालूम है ना, हमारे यूपी में स के पहले ई लगाते हैं, तो स्त्री को इस्त्री कहते, गर्म होती है ना। तो उस पर इस्त्री घुमाओ, सब सलवटें कहाँ गई? सलवटे नाम की वस्तु है क्या कोई, कहाँ गई? इसी प्रकार से वृत्ति नाम की वस्तु नहीं है, केवल चैतन्य है। चैतन्य पर सलवटे आ गई उसको मन कहते हैं, वो सलवटे क्या है, वृत्तियां। तो मेडिटेशन क्या है, आध्यात्मिक जीवन क्या है, स्त्री लेकर के उस पर घुमाओ, क्योंकि वो सलवटे निकल के कहां जाती है, कहीं नहीं जाती, क्योंकि वो है ही नहीं। लेकिन कितनी परेशान, स्वामी जी हमारे मन में बहुत विक्षेप आते, दिखाओ कहां है। कितनी सहज बात है ये। और दूसरी बात, वो तो सब निकाल दिए, लेकिन कपड़े को रखना है तो तय करके रखना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी रखेंगे फिर से। तो तय करने के बाद आप देखो, ये शर्ट पर ये भी जो है जिसको क्रीज कहते हैं, ये भी तो सलवट है ना। तो दो प्रकार की सलवटें हो गई, एक जिसका कोई नियम नहीं, कैसी भी है, जिसके कारण कपड़े का सौंदर्य ढक जाता है, दूसरी सलवट जिसके कारण कपड़े का सौंदर्य निखर आता है। हमारे जो सांसारिक विचार है ये डिसऑर्गेनाइज क्रीज के जैसे है, और जो अध्यात्म शास्त्र है वो एक दिशा में चल रहा है, वो भी वृत्ति ही है, लेकिन इस वृत्ति से अपना निहित सौंदर्य बाहर आ जाता है। देखो ये कहते हैं ये तु वृत्तिम विजानंती, जो ये जानते हैं कि वृत्ति नाम की वस्तु नहीं होती, केवल आप ही है, क्योंकि आपने किसी अन्य को स्वीकार किया है, महत्व दिया है, इसी के कारण वृत्ति आ गई। सुषुप्ति में अन्य को स्वीकार नहीं करते और अन्य को महत्व नहीं देते तो कौन सी वृत्ति है वहां? देखो ये तो वृत्ति विजानंती और ज्ञातवा वही वर्धयंती है। अब जिनको ये बात पकड़ में आ गई, ठीक समझ में आ गया क्या है आध्यात्मिक साधना, शांत बैठो और जो शब्द स्पर्श रूप रस रहित वस्तु है, जिसमें किसी भी प्रकार का सुख दुख लाभ हानि मैं तेरा नहीं है, जिसमें क्षणिक उत्पत्ति नहीं है, जिसमें आदि अंत नहीं है, वह अपना स्वरूप है। इसका चिंतन करते करते एक दिन क्लिक होगा आपको,
हमको अपना अभाव इसका अनुभव कभी नहीं आ सकता। सबका अनुभव आ सकता है, जागृत में स्वप्न सुषुप्ति का अनुभव है, सपने में जागृत सुषुप्ति का अनुभव अभाव है, लेकिन इस सब में अपने अभाव की संभावना शून्य है। पकड़ो उसको, कैसे पकड़े, बाकी को छोड़ो, त्यागे नहीं कि अमृतत्वमानशु ये वै वृत्ति जानती ज्ञात्वा, अब समझ में आ गया, फिर वर्धयंती ये, अब उसमें लगे रहो, दुनिया में यादें फंसो मत, बहुत हो गई दुनिया दुनिया दुनिया, दुनिया की सत्ता केवल देहात्म भाव होता है तभी होता है। देखो, और ते वही सत्पुरुषा धन्या, वो सत्पुरुष है, सत्पुरुष माने जो सत्ता में स्थित है वो सत्पुरुष, और हम लोग असत्पुरुष, क्योंकि असत में स्थित है वस्तु व्यक्ति रिश्ते नाते, इसी में फंसे हैं। देखो महाराज, एक बड़े संत थे, उनके पास एक सन्यासी महाराज गए, जाने के बाद वो संत मस्त वाले थे, उसको डांट दिया, हट यहाँ से, बड़ा सन्यासी आया तो वो घबरा गया, तो बैठा रहा खड़ा रहा, फिर उसको हकाल दिया, लेकिन उसकी जाने की इच्छा नहीं थी, एकदम उसको प्रसन्नता का अनुभव आने लग गया। दो तीन दिन के बाद फिर वो गया उनके महात्मा के पास और चिट्ठी दिखाई, देखो मेरे माँ की तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए मुझे जाने की परमिशन दीजिए। तो महात्मा ने कहा, माँ से इतना प्यार है तो ये भगवा कपड़ा क्यों पहना। देखो महाराज, फिर मैं क्या करूँ, भागवत पढ़ो, और वो भागवत पढ़ने लग गए। उनकी माँ मरी की पता नहीं, तीसरे दिन यही गायब हो गए। काम फंसे दुनिया में, नायमात्मा बलहीने न लभ्यः, ये सब ठीक है, माता पिता की सेवा करो, बड़ों का सब कुछ ठीक है, लेकिन जिंदगी भर क्या हम वही रहेंगे, आगे भी तो बढ़ो ना। देखो, ऐसे जो इमोशनल पर्सनैलिटी होते हैं ना, वे हमेशा ऐसे जगह जाएंगे कि भगवान राम सीता जी के साथ चले गए जंगल में, एक दरिद्री ब्राह्मण कथा कर रहा था, और देखो सीता जी ने अपनी मूल्यवान साड़ियाँ निकाल करके वलकल पहन लिए थे, सीता जी की साड़ी 125 रुपये की थी, दरिद्री आदमी सोच भी दरिद्री होगी। देखो, इसीलिए ते वही सत्पुरुषा धन्या, वही धन्य है, वंद्यास्ते भुवनत्रये, और ये संपूर्ण विश्व में वंदनीय होते हैं, क्योंकि वो एक आदर्श हो जाते हैं। अब समस्या क्या है हम लोगों की, सामने आदर्श ही नहीं है। देखो, घर में आदर्श है ही नहीं, घर में तो हमेशा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुत्सव, वो दिन वो में तू तू मैं तू, बच्चे को क्या है देखने के लिए आदर्श, फिर स्कूल में गए वहाँ भी आदर्श नहीं, दुनिया में देखा पॉलिटिशियन देखा वहाँ भी आदर्श नहीं। सी, इसीलिए
ते वही सत्पुरुषा धन्या वंद्यास्ते भुवनत्रय, जिनके द्वारा जगत को प्रेरणा मिलती है उन्होंने अपने जीवन को परिपूर्ण जिया है। हमारे नचिकेत महाराज कहते हैं हमारा जीवन कैसा है, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः, घास के जैसे हम उगते हैं और घास के जैसे नष्ट हो जाते हैं। कितने पैदा हो गए हमको अपने माँ बाप मालूम है, हमको दादा दादी नाना नानी मालूम है, उसके पीछे चौथी पांचवी पीढ़ी एक बार भी विचार आया क्या मन में? अनावश्यक। यही कहानी आपकी हमारी होने वाली है, लेकिन ऐसे सोचते हैं यहां परमानेंटली आए हैं। देखो संतो, इस दुनिया से हट जाओ, माने हिमालय में मत जाना, वहां भीड़ है। देखो आप कहीं भी चले जाओ हिमालय में, किसी भी गांव में कहीं भी चले जाओ, देवप्रयाग रुद्रप्रयाग, सुबह सुबह आप 5 बजे से वहां हिंदी फिल्मी सॉन्ग शुरू हो जाते हैं। देखो रहना है जहां है प्रसन्न रहो। अच्छा और आगे चलते हैं, येषां वृत्ति समावृद्धा परिपक्वा च सा पुनः, ते वै सद्ब्रह्मतां प्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः। अब इन जिनकी येषां वृत्ति, यहाँ जो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति है, हमने अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति माने वृत्ति रहित ज्ञान। देखो अविवाहित पुरुष माने पत्नी रहित पुरुष, इसी प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का तात्पर्य वृत्ति रहित अनुभूति को कहते अहम ब्रह्मास्मि। तो येषां वृत्ति समावृद्धा परिपक्वा च सा पुनः, जिनका ये अनुभव वृद्ध हो गया है, मैं बूढ़ा नहीं वृद्ध हो गया माने इट इज ग्रोइंग डे बाय डे, जैसे जैसे आप सूक्ष्मता में पहुंचते हैं ना वैसे वैसे इतने हल्के पुलके हो जाते हैं। देखो लेकिन हमारी सोच उल्टी है, एक मोटी थी और बस स्टॉप पर खड़ी थी, बच्चों को पूछा इसको कैप्शन दे दो, किसी ने कहा बस स्टॉप, किसी ने कहा कोई स्त्री खड़ी है, एक जीनियस था उसने लिख दिया मोटिवेटिंग। तो ऐसी एक मोटी थी, बहुत जबरदस्त वजन, तो उसके पति हमेशा उसे तुम जरा पतली हो जाओ, कितनी मोटी है मोटी है। उसने कहीं पढ़ा कि जैसे चंद्रमा पर जाओ तो वजन बहुत कम हो जाता है, तो उसने कहा अपने पति को मैं गलत जगह पैदा हो गई। देखो महाराज वृद्धा का तात्पर्य बूढ़ा नहीं, ये शाम वृत्ति समावृद्धा और परिपक्वा जैसा पुनः वर्धते इति वृद्ध, जो बढ़ता है उसको वृद्ध कहते हैं परिपक्वा। और ये केवल ऐसे नहीं कि लंबा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूरा, नहीं नहीं नहीं, परिपक्वा माने जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आध्यात्मिक उम्र, मैं बाकी की नहीं बता रहा हूँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञान में परिपक्वता आने के बाद व्यक्ति अत्यंत हल्का फुल्का हो जाता है। शरीर कैसा भी हो बिल्कुल हल्का, कहीं ना उदो का लेना ना माधो को देना, परिपक्वा जैसा पुनः ते वही सद्ब्रह्मताम प्राप्ता, उन्हीं को अपने स्वरूप की निष्ठा प्राप्त हो गई, सद्ब्रह्मताम प्राप्ता। और हम लोगों के लिए कहते हैं नेतरे शब्दवादिनः, जो केवल शब्द जालम महारण्यम इसी में फंसे हुए हैं। देखो
सत्य शब्द का अर्थ हमने आपको बताया है, बहुत महत्व का अर्थ है। बोलने वाले के शब्दों का प्रभाव सुनने वाले के हृदय में वैसा ही हो जैसा बोलने वाला बोल रहा है, तब जाकर के सत्य की प्रतिष्ठा हुई। ते वही सत ब्रह्मताम प्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः। आपने भी अनुभव किया होगा, हम लोग कई जगह जाते हैं, कहीं कहीं बैठो सुनने के लिए, तो ठीक है यार चलो, फिर 10 बार घड़ी देखेंगे, और कभी कभी जाते हैं अरे पता ही नहीं लगा घंटा निकल गया। इसीलिए कुशला ब्रह्म वार्तायाम, अगला श्लोक कहते हैं कुशला ब्रह्म वार्तायाम वृत्तिहीना सुरागिणः तेप्य ज्ञानीतया न्यूनम पुनरायान्ति यान्ति च। कुशला ब्रह्म वार्ताया, जो प्रवचन करने में बड़े उस्ताद है, कुशला ब्रह्म वार्ताया। देखो हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक बात कहते थे, हमने उनसे बहुत सीखा है। वो कहते थे दो प्रकार के प्रवचनकार होते हैं, एक प्रकार के ऐसे होते कि जिनका प्रवचन सुनने के बाद श्रोता को ऐसे लगता है अरे बाप रे ये बड़ा कठिन है, ये आपके वैसे बात नहीं है। दूसरे ऐसे होते हैं जिनका प्रवचन सुनो तो अरे ये इतना सिंपल है। देखो कुशला ब्रह्म वार्ताया, प्रवचन करने में उस्ताद है, वृत्तिहीना सुरागिणहा, लेकिन अपने स्वरूप में निष्ठा नहीं है, सुरागिणहा जगत के वस्तु व्यक्तियों में इतने फंसे हैं। देखो तेपि अपि अज्ञानितया नूनम, वो भी अज्ञानी ही है। देखो महाराज पुनरायान्ति यान्ति जब, फिर उनको भी वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये धंधा चलता रहेगा। देखो ये सब श्लोक है ना, ये हम लोगों के लिए। देखो भगवान शंकराचार्य कहते हैं वीणा वादन सौंदर्यम भुक्तये न तु मुक्तये। संगीत जो होता है ये भोग का साधन है, ये मुक्ति का साधन नहीं है। आप किसी भी संगीतकार को देखो, शब्दों में उनका ध्यान नहीं होता, उनका ध्यान होता है सारे गम पदनी सा इसी में, और फिर उसमें आ आ आ आ, आ करते रहेंगे, आप बंद करें यार। और जिनको उसमें मजा आता है उसी में लग जाते हैं। देखो इसीलिए कुशला ब्रह्म वार्ताय वृत्तिहीना, अनुभूति का कहीं नामो निशान नहीं, और सुरागिणा, और उनको जगत के विषय वस्तुओं के प्रति अत्यंत राग है, आकर्षण है। ते अपि अज्ञानितयानुगुणम, उनमें और अज्ञानियों में कोई फर्क नहीं, और इसीलिए पुनरायान्ति यान्ति च, फिर उनके जीवन में यही चलता रहेगा पुनरपि जननम। अगला श्लोक निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयीं विना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्या सनकाद्या शुकादयः। निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयीं विना, ऐसे जो है एक क्षण में भी वो, एक क्षण में भी अपने स्वरूप से अलग नहीं होते। कैसे? उदाहरण के लिए जैसे किसी का नाम हो, समझो अजीत नाम है, और किसी का वो अजीत जो है ना, जितने भी अजीत है उनके कान हिलने लगेंगे। देखो इतना तादात में उसके साथ, इसी प्रकार से निमिषार्धम न तिष्ठन्ति, एक क्षण में भी वो अपने स्वरूप से अलग नहीं होते। भगवान शंकराचार्य योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है उसका लक्षण नंदति 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 एव।
देखो महाराज, अपना जो मंत्र है ना, मौज में रहो, इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी मंत्र। लेकिन हमको क्या लगता है, ये कैसा मंत्र है, मौज में रहो, मिये मंत्र कैसा चाहिए जो समझ में ना आ जाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे। आपने सुना है क्या, वो जिसको कहते घनपाठ, योग घनपाठ में कैसे त्र्यंबकम त्र्यंबकम यजामहे यजामहे, जैसे वो घूम रही होगी। और देखो कितना सुंदर घनपाठ किया, क्या क्या समझ में क्या आया देखो। और फिर उसी में लगे हुए, वो करो, हम नहीं कहते वो मत करो, उसका केवल उच्चारण का फायदा होगा आपको, लेकिन स्वरूप में प्राप्ति करनी है इसका अर्थ करना है। ठीक, निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीम विना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्या सनकाद्या शुकादया। उदाहरण दिए उन्होंने, शुकाचार्य, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये जैसे जगत में योग रतो वा भोग रतो वा। शुकाचार्य जी महाराज 12 साल के बाद बाहर निकले, और जब वो जा रहे थे तो वहाँ लड़कियाँ, स्त्री किसी सरोवर में स्नान कर रही थी विवस्त्र स्थिति में, तो सभी लड़कियाँ उसके तरफ देख रही है, ये भी जा रहे, किसी को कोई समस्या नहीं। अब उसके पीछे बुढ़ाओ निकला, अरे बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। जैसे ये बुढ़ाओ व्यास भगवान आए, सभी लड़कियों ने अपने आप को छुपा लिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, कि मेरा जवान लड़का गया तो कुछ नहीं हुआ तुमको, मैं आया तो बोले यही तो फर्क है। सठिया गए। इसीलिए यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्या सनकाद्या शुकादयः, एक क्षण मर भी हम अपने स्वरूप से अलग नहीं होते, और ये संभव भी नहीं है। कारणम यस्य वही कार्यम, कारणम तस्य जायते, कारणम तत्वतो नश्येत, कार्याभावे विचारतः। कारणम यस्य वही कार्यम, कारणम तस्य जायते। कार्य कारण भाव एक दूसरे पर अवलंबित है, जिसका कारण है उसका कार्य है, जिसका कार्य है उसका कारण है। देखो आजकल के डिजिटल बच्चे, बाप ने डांटा, मैंने तुमको जन्म दिया और तुम मेरे से ऐसा व्यवहार करते हो, और डिजिटल चाइल्ड हुआ किसने कहा, आपने मुझे जन्म दिया। अब बाप हिलने लग गया, पता नहीं क्या बोलता है ये गूगल आनंद। उसने कहा कि पापा मैंने आपको जन्म दिया, जब तक मैं पैदा नहीं हुआ था आपको बाप किसने कहा। कार्य कारण, कार्य कारण, तो कारणम यस्य वही कारण कार्यम, कारणम तस्य जायते, कार्य कारणम तत्वतो नश्येत। यदि कार्य है ही नहीं, कार्याभावे कार्य नहीं है तो कारण हो ही नहीं सकता, तो अपना स्वरूप क्या है, जो कार्य कारण के परे है। देखो यदि अपना स्वरूप कार्य कारण के परे है तो तात्पर्य क्या है, इट इज नॉट ए कंसेप्ट। कार्य कारण की भूमिका होती है बुद्धि। ये इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं ना, कार्य कारण में इतने फंस जाते हैं कि दे बिकम इंटेलेक्चुअल्स। और इंटेलेक्चुअल्स वो होते हैं जो अपने दुखी होने को जस्टिफाई कर सकते हैं। देखो इसीलिए साधना क्या होगी, बहुत सिंपल साधना है, जो तारी राय सो मारी राय, कार्य कारण के परे चलेंगे। कितना सिंपल है। इसीलिए हमने आपको बताया था, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उन पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। कर्म का सिद्धांत किस पर लागू होगा, जो मैं कुछ कर रहा हूं ये भाव रखता है उस पर। जो हो रहा है हरी इच्छा से हो रहा है,
उसको फिक्र है, अपन को क्या? देखो जैसे छोटा सा बालक होता है, उसको क्या फर्क पड़ता है? बालक के जैसे निरागस सहज पूरे जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। कारणम तत्वतो नश्येत, कार्य अभावे कब विचारतः। केवल इसको समझ लो, करना कुछ नहीं है, हम लोग इसी कार्य कारण में फंसे हैं। इसके कारण वो होता है, उसके कारण वो होता है, उसके कारण वो होता है, किसी कारण कुछ नहीं होता, ये ऐसा ही है। जहां आपने ये ऐसा ही है ये स्वीकार किया, वहां आप परेशान नहीं होगे। उदाहरण, अग्नि को हाथ लगाओ, बचपन में हाथ जल जाता है, हमने सीख लिया कि अग्नि जलाता है, फिर कार्य कारण में नहीं गए हम, ये अग्नि क्यों जलाता है, पानी क्यों नहीं जलाता, नहीं नहीं नहीं, हमने स्वीकार कर लिया है ऐसा ही है। उसके बाद फिर उसके साथ व्यवहार करते हैं कि अग्नि के साथ कैसे व्यवहार करें ताकि अग्नि हमारे लिए अब समस्या नहीं बल्कि समाधान बने। कैसे? हमने कार्य कारण को छोड़ दिया, अग्नि गर्म क्यों है, ऐसे ही है। इसको हम अपने शब्दों में बताते, मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, ऐसे ही है ये, क्या करोगे। ये सिद्धांत लगाओ आप अपने जीवन में, मेरी पत्नी ऐसी क्यों है, मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट, अगले जन्म में दूसरी कर लेना अभी, ठीक है। नहीं, मैं इस जन्म में बदलना चाहता हूँ। तुम पत्नी नहीं बदल रहे हो, फिर प्रॉब्लम बदल रहे हो, प्रॉब्लम वही रहेगा। डाइवोर्स इज एन अटेम्प्ट टू चेंज द प्रॉब्लम, इट इज नॉट ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इसलिए कारण तत्व तो नश्येत, कार्य अभावे विचारतः। ये कार्य कारण के परे चले जाओ, इसका उपयोग उसी तक है कब तक कार्य देखा कारण में पहुंचे। कारण क्या है? हम जिंदा है इसीलिए दुख हो रहा है। देखो तो दुख नहीं चाहिए तो मरो, कैसे मरे, किसको दुख नहीं होता जीवन में। देखो हमारे रामदास स्वामी कहते हैं, जगी सर्व सुखी असा को ना है, कौन है दुनिया में जो केवल सुख को प्राप्त करता है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई दुख है ही। इलेक्ट्रिक का खंबा लो, उसके पीछे भी दुख है। सुबह सुबह ये माताएं ले जाती है अपने डॉग को, और जब तक के वो अपने खंबे के पास जाएगा करेगा नहीं, वहाँ पहुँच गया, जाने के बाद पहले आत्म प्रदक्षिणा करता है, और उसके बाद पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णमदक्षिणा, और वो खंबा सोचे यार मैं यहाँ आया, यहाँ भी यही आता है। देखो हर एक के जीवन में केवल दुख नहीं चाहिए ना, मरो, यही एक ऐसा कर्म है जिसके कारण हम दुखी नहीं होते, पब्लिक दुखी होती है। इसको कैसा दफनाया, सीधा भी नहीं टेढ़ा बड़ा है। इसीलिए चक्कर में मत पड़ो, ऐसा ही होता है, सब ऐसा ही चल रहा। अथ शुद्धम भवेद वस्तु यद्वै वाचाम गोचरम उदेति शुद्ध चित्तानाम वृत्ति ज्ञानम ततपरम। अतः अब इसके बाद यहाँ तक जो कर लिया हमने, इसके बाद वस्तु शुद्धम भवेत, वस्तु माने वास्तविकता, अपना स्वरूप शुद्धम भवेत। कैसे? यद वाचाम अगोचरम, इसके बारे में बोला नहीं जा सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। अपना डेली का एग्जाम्पल उदाहरण ले लो, हमने तैरना सीखा या साइकिल चलाना सीखा, एग्जैक्टली क्या किया, वो क्लिक हो जाता है। देखो एक कहाँ की बात है, बेंगलोर की, एक हमारा अच्छा फ्रेंड है, बड़ा अच्छा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, तो उसका बच्चा, हमने कहा यार तू साइंटिस्ट रहे, मुझे बच्चा चाहिए, और हरि कृपा से बच्चा हो गया। उसका बच्चा इतना विचित्र है, साइंटिस्ट होगा तो बच्चा किसी नॉर्मल होगा,
उसके लिए साइकिल ले आए छोटी सी, और बोला कि मैं पकड़ता हूँ, वो बैठा और वो बच्चा पहली हिट में इतना जोर से चला के ले गया, बाप पीछे दौड़ रहा है, जोर से बच जाए, जोर से बच जाए, कुछ भी हो रहा। अब उसको कैसे आया है परफेक्ट बैलेंस, कोई कारण नहीं। यू कैन नॉट टीच बैलेंस, क्योंकि ये बुद्धि से नहीं समझ में आता, ये मन से भी समझ नहीं आता, ये आ जाता है, पक्की बात है। पर एक बार आपने सीख लिया साइकिल चलाना, फिर वो कभी भूलते नहीं, क्योंकि वो मन से नहीं ग्रहण किया है। इसी प्रकार से अथ शुद्धम भवेद वस्तु यद वही वाचाम गोचरम, एक बार आपको क्लिक हो गया कि जो इंद्रिय मन बुद्धि के परे है वो अपना स्वरूप है, इंद्रियों के परे तो उसमें कोई गुण नहीं है, मन के परे उसमें कोई सुख दुख के द्वंद्व नहीं है, बुद्धि के परे यह कंसेप्ट नहीं है, कार्य कारण के परे है। अतः शुद्धम भवेद वस्तु यद्वै वाचाम गोचरम और उदेति शुद्ध चित्तानाम वृत्ति ज्ञानम, ऐसे जो शुद्ध अंतकरण के है उन्हीं में यह वृत्ति ज्ञान प्राप्त होता है, तथा परम, और उसके पश्चात ही हमने अपनी साधना को पूर्ण किया है महाराज। इसीलिए अंतिम श्लोक, भावितम तीव्र वेगेन यद वस्तु निश्चयात्मकम दृश्यम ही अदृश्यताम नीत्वा ब्रह्माकारेण चिंतयेत् विद्वान् नित्यं सुखे तिष्ठेत् धिया चिद्रसपूर्णया। भावितम तीव्र वेगेन, अब इसको हम बिल्कुल सिंसियरली देखो, दो बात होती है, सिंसियरिटी और सीरियसनेस। अध्यात्म में सीरियसनेस नहीं होता, देखो सिंसियर रहो, ज्यादा गंभीर डिस्टर्ब मत करो, मेडिटेशन चल रहा, अरे कोई तीर मार रहे क्या। इसीलिए भावितम यद वस्तु निश्चयात्मकम, अब हमारा निश्चय हो गया कि अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य जो अनुभव इंद्रिय मन बुद्धि के कार्य कारण के व्यापार से मुक्त है, वो ये है। हो गए ने बोलती बंद, ये तो फंसे रहते हैं, गुर 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 चल रहे हैं, सामने 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 सामने। रिलैक्स रहो महाराज, रिलैक्स। मंत्र एक एक महत्व का है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। जब पाना खोना एक हो गया तो मैं गायब हो गया। जैसे बच्चों के साथ खेलते हैं, वहाँ जीत हार एक हो गई तो मैं है ही नहीं। भावितम तीव्र वेगेन यद वस्तु निश्चयात्मकम दृश्यम ही अदृश्यताम नीत्वा, फिर यह जो दृश्य जगत है उसके प्रति ज़्यादा सीरियस मत हो। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी, इसको कोई नहीं बदल सकता। जिनको करना है उनको करने दो, आप मौज में रहो। अन्यथा आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। सो दृश्यम ही अद्वता अदृश्यता नीत्वा ब्रह्माकारेण चिंतयेत्, जो कुछ है सब परमात्मा ही है। परमात्मा का चिंतन माने अनात्म चिंतन का अभाव, अनात्म वृत्ति का जन्म न होना। यदि अनात्म वृत्ति नहीं है तो आत्म वृत्ति भी नहीं होती, केवल आत्मा ही रहता है। दृश्यम ही अदृश्यताम नीत्वा ब्रह्माकारेण चिंतयेत्, और ऐसे नहीं मैं तो ब्राह्मण हो गया, पब्लिक को कैसे समझाऊं।
एक दक्षिणी यूएसए की बात है, किसी मंदिर में छोटा सा ग्रुप था 10-12 लोगों का, और हम बैठ करके भगवान के सामने, बालाजी भगवान के सामने, और सत्संग चल रहा था आधे घंटे तक, और तिरुपति बालाजी का मंदिर था वहाँ। वो होने के पश्चात तिरुपति बालाजी माने दक्षिणी डिश एंटीना, उसके बाद लुंगी वगैरह पहना करके, और प्रश्न उनका, स्वामी जी आपके जैसा मैं भी ब्राह्मण हूँ, लोगों को कैसे समझाऊँ, मुझे कुछ टिप्स दीजिए, जैसे आप पॉपुलर हो रहे हैं ना, मुझे भी पॉपुलर होना है ताकि मैं टिप्स दे सकूँ, मुझे लोगों का भला करना है, लोगों को बताना है तुम ब्राह्मण हो, मानते क्यों नहीं हो। देखो, हम जगत को वही देखते हैं जो हमने अपने आप को देखा है। देखो, हमने यदि अपने आप को परमात्मा स्वरूप से पहचान लिया है तो हमारे दृष्टि में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ होगा ही नहीं, किसको सुधारेंगे, फिर क्या करना है, सेवा करो, क्योंकि करने की खुजली है तो करो। दृश्यम ही अदृश्यता नित्वा ब्रह्माकारेण चिंतेन विद्वान, अब देखो विद्वान नित्यम सुखे तिष्ठेन, बी हैप्पी। पचास श्लोकों का हमने अध्ययन किया है, निचोड़ क्या निकला, देखो इतना बताना था। हम सीधे सीधे बता देना, स्वामी जी को दूसरा कोई आता ही नहीं, ये अभी कहते अच्छा लो, हाँ अब लगा अच्छा वो आज। जिनको घास खाने की आदत होती है ना, उनको कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिशन इतना ही दिया खाने के लिए, घास चाहिए ना भैंस के लिए, पेट भर गया। इसीलिए सूत्र की भाषा में, जैसे ब्रह्म सूत्र है, उसके बाद योग सूत्र है, भक्ति सूत्र है, उसमें 2-4 शब्दों में सब बता देते हैं। तो विद्वान नित्यम सुखे तिष्ठे, तो हमेशा कौन सुखी रह सकता है, विद्वान। जो दुखी है वो कौन हो गया, बेवकूफ। तो अगले बार आप दुखी हो गए ना, दर्पण के सामने खड़े रहना, अरे बेवकूफ चुप। विद्वान नित्यम सुखे तिष्ठेन धिया चिद्रस पूर्णया, बुद्धि में मस्त है, मस्ती है, आनंद है, रसपूर्ण जीवन है, ये नहीं कि ना सुखा करता हूं ना गिल्ला करता हूं, हर चीज में हमको रस लेना है जीवन के। छोटा सा बच्चा खेल रहा है, हम भी बच्चे में खेलते थे, अभी यू प्ले विद हिम, हमारा चक्कर क्या हो जाता है, बच्चे सामने बड़े बन गए, खड़ा क्यों है, बैठ जा, बैठा क्यों खड़ा हो जा, नमस्कार कर, अरे खेलने दो ना उसको, देखो। और यदि बच्चे ने नहीं माना, स्वामी जी आजकल के बच्चे मानते ही नहीं है, कंप्लेन शुरू, बी लाइक ए चाइल्ड विद ए चाइल्ड, उससे इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी डू, बड़े बन जाते हैं, कुछ बनो मत, जो है वो रहो। विद्वान नित्यम सुखे तिष्ठे धिया चिद्रस पूर्णया, इति प्रथमोध्याय, कल दूसरा अध्याय शुरू करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। रक्षास्तोत्रमन्त्रस्य मुदगौषदर्शिः श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्तिः श्रीमद् हनुमान कीरकम्
श्री रामचंद्र।